Hey everyone, this is मोहिनी and you are watching my new vlog video. So, आज मैं इस वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट रिकॉर्ड करना भूल गई थी जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया. So, वीडियो में बने रहिए और देखिए कि आज कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या मस्ती करने वाले हैं. एंड अगर अभी तक चैनल पर न्यू है तो जा कर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीडियो में क्या क्या मस्ती की गई है. वहाँ पर बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया और आपको भी दिखाते हैं. अगर आप जा रहे हैं किसी वीकेंड प्लान पे तो आप जा सकते हैं इस प्लेस में और बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं. ये है यहाँ के खेत और बस वो दिख रहा है सामने, लोहागढ़ फार्म पहुँच चुके हैं. एंड बहुत सारे स्कूल की बसेस आए हुए इधर. वाकई में अच्छी लोकेशन है. अभी अंदर जा कर के देखते हैं क्या क्या है. लोहागढ़ फार्म, अगर आप आ रहे हैं नोएडा से तो नोएडा से लोहागढ़ फार्म आने के लिए आपको लगेंगे एटलीस्ट 2 आवर्स. यस, 2 आवर्स. वाह, कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? बहुत मस्त. अंदर जाके देखते हैं कैसे लग रहे हैं. बाहर भी अंदर एंटर हुए नहीं. एक बार मिली थी जब गए थे जिम कॉर्बेट, उसके बाद अब ये खड़ी हुई जीप मिले पर एटलीस्ट कुछ तो है. और इसमें सब कुछ है बट काम कुछ भी नहीं करता. सब कुछ है, क्लच है, एक्सीलेटर है, गियर है, बट काम कुछ भी नहीं करता. गियर आप चेंज नहीं कर सकते और जिस काम की चाहिए. तो यहाँ पर हो गई जीप राइड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है लाइव किचन. लाइव किचन मीन्स वहाँ का जो लोकल कल्चर है, जो गांव का, हरियाणा का जो लोकल कल्चर है, जैसे कि मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी और साग. तो यहाँ पर जो गांव की लेडीज़ हैं वो आपको लाइव चूल्हे पर से रोटियाँ आपको बना करके देती हैं विद साग और जो भी कुछ वो सर्व करती हैं. Thank you.
कल्चरल डांस देखने के बाद फिर आगे बढ़े, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ थी, और जैसे निशानाबाजी हो गया, ये बास्केटबॉल हो गया, और उसके बाद और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, बच्चे जहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे। केवल एक माइनस पॉइंट था कि वहाँ पर स्कूल के बच्चों का टूर आया हुआ था, जिसकी वजह से रश बहुत ही ज़्यादा था। तो अगर आपको कभी जाना हो तो प्लान कीजिए कि अगर आप वीकेंड पे ना जाएं, वीकडेज पर जाएं, या फिर दिसंबर और नवंबर के मंथ में ना जाएं, बिकॉज उस टाइम पे स्कूल टूर वहाँ पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, फिर वहाँ पर इंजॉय नहीं हो पाता इतना। बाकी अदरवाइज़ बहुत अच्छा था, एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत सारी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर बच्चों के करने के लिए, बहुत ही सारी। देखिए कैसे सारे बच्चे लगे हुए हैं कमांडो नेट, बच्चे बड़े सब भी लगे हुए। मेरा भी मन कर रहा है मैं भी जाऊँ, वही जाती हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत मजा आया, लेकिन ओवरवेटेड था, ओवरलोडेड था ये कमांडो नेट, जो भी बहुत लोग हैं, टूट गया किसी भी नहीं। तो ये है यहाँ का फार्म, जहाँ पर रखे हुए इन्होंने कुछ एनिमल्स, जैसे बुल हो गया, एक टर्की भी है, चिकन्स हैं, गोट हैं, एंड यस कैमल भी है। जैसे आगे दिखाते हैं आपको वीडियो में और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप एंजॉय कर सकते हैं। लगी तो है कहाँ? तो अब नहीं होगा, रख के रखो ना। स्ट्रॉबेरी कैसे दे रहे हो जी? 100 का एक बॉक्स। ये स्ट्रॉबेरी फार्मिंग भाई। वाह बहुत मजा आ रहा है। गन्ना बाकी वंश के टूथपेस्ट में नमक है। थोड़ा है आपके में, इनके टूथपेस्ट में थोड़ा सा नमक है।
अरे रात रानी यहाँ पेड़ वेड़ भी हेलो पीयू देखो वेरी गुड निकले। और ये मिला हमें चुईमुई का पौधा, इसको छूते देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये छूते ही ये अभी खिला हुआ है और इसको छुआ कांटे भी हैं। तो ये देखो बंद हो गए इसकी लिप्स। वाओ ये देखने के बाद यहाँ पर आ गए थे पोल्ट्री एक्टिविटी करने के लिए, जहाँ पर आपको मिट्टी के बर्तन बनाने का एक्सपीरियंस मिल रहा था कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। तो भैया यहाँ पर मुझे बोल रहे थे कि आपको बस एक ही हाथ लगाना है मिट्टी के बर्तन में, बाकी शेप देने का काम उनका था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे उस दिन, बहुत रश था तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी मेरे पीछे। तो उन्होंने बोला कि आप ये शेप बनाओ, एंड मैंने एक साइड में हाथ लगा रखा था, दूसरी साइड भैया कर रहे थे। एंड उसके बाद हमने एक बहुत ही प्यारी सी शेप ग्लास की तैयार की, जो चाय पीने का कुल्हड़ होता है उस वो वाली शेप, और ये आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद भैया जो है उसको एक धागे की हेल्प से काट करके बाहर निकाल लेते हैं। एंड दिस इज़ डन। कैसा लग रहा है? मुझे ठीक लग रहा है। नहीं सारी यहाँ पर दर्द है। शुगर केन ठंडे भैया, मैं भी ये लो आपका, ये आपका, ये देखो जी भैया जी। जितने भी यहाँ पर फार्म्स हैं वो सारे विलेज थीम पर बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको सारे पुराने स्कूटर्स, बाइक, बुलेट, रिक्शास और भी बहुत सारे जितने भी पुरानी गाड़ियाँ थी जो पहले चलती थी, वो सारी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, आज चलाते हैं। चाबी कहाँ है? ये देखो मर्सिडीज का साइन लगा, और यहाँ से आ गया था घर जाने का, वापस जाने का टाइम आ गया था। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।